वेलकम स्टूडेंट, हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं कि जब ब्लॉक और पुलिस का कनेक्शन मल्टीपल हो तब किस तरह से टेंशन और एक्सेलरेशन निकाला जाए। यहाँ पे देखो 2 kg, 18 kg, 10 kg। अब हमें इंडिविजुअल ब्लॉक के बीच में टेंशन कितना होगा ये निकालना है और सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन 10 kg, 2 kg और 5 kg। इसमें से 10 kg और 2 kg, 5 kg में से कॉमन एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं कि ये वाला ब्लॉक जाएगा डाउनवर्ड और ये वाला ब्लॉक जाएगा अपवर्ड। तो जितना एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड होगा। ये जाएगा डाउनवर्ड, ये जाएगा अपवर्ड, तो ये जाएगा लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड। तो हम सभी के फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ऑल ब्लॉक्स। उसमें से सबसे पहले आप देखिए 2 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक और 10 kg ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में एक टेंशन, 2 kg ब्लॉक और 5 kg ब्लॉक दोनों ब्लॉक के बीच में एक टेंशन। जैसे मैं यहां से ऐसे कट करता तो ये नीचे की तरफ जाता, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन होगी अपवर्ड, मैं मानता हूं T1। अब देखिए इस ब्लॉक से अपवर्ड, इस ब्लॉक को ये सिस्टम एक्सेलरेट कर पा रहा है, ये इधर की तरफ ला पा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर लगने वाला फोर्स T1 इस तरफ होगा। अच्छा, इस ब्लॉक से T1 इस तरफ, तो डेफिनेटली T2 की डायरेक्शन हम इधर मानेंगे और इस तरफ T2 की डायरेक्शन मानी जाएगी। तो पहला फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम 10 kg के लिए बनाया जाएगा। तो 10 kg डाउनवर्ड टेंशन आपके पास में, T1 अपवर्ड, सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स में हम कहेंगे लार्जर माइनस स्मॉलर। बाय 10 g को 10 रख दो तो 10 × 10 = 100। भाई 100 और टेंशन को कंपेयर करो तो 100 और टेंशन को कंपेयर करने पर आप ये पाओगे कि सिस्टम का एक्सेलरेशन, भाई सिस्टम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिवन है। मतलब 100 और T1 में से ज्यादा बड़ा वैल्यू किसका है? तो भाई यहां पर हम ये बात जानते हैं, जिस तरफ मोशन होता है उधर का फोर्स बड़ा होता है। तो देखिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो बड़ा वाला फोर्स 100 होगा। तो यहां डेल्टा एफ का मतलब है नेट फोर्स, डेल्टा एफ का मीनिंग है नेट फोर्स। तो लार्जर माइनस स्मॉलर, तो 100 - T2 दैट इज इक्वल टू 100 × A, इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम 5 kg का बना लेते हैं। 5 kg वाले ब्लॉक के बारे में हम सोचते हैं थोड़ा सा, वापस इस ब्लॉक को अगर कट करते तो 5g डाउनवर्ड, ब्लॉक में टेंशन T2 आता अपवर्ड, एक्सेलरेशन सिस्टम का अपवर्ड। इस बार हम क्या कह सकते हैं कौन बड़ा होगा? तो इस बार बड़ा होगा T2, 5 × g मतलब 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब 5 × A। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर लिख देता हूं, T2 - 50 = 50A, इक्वेशन नंबर सेकंड यहां पर लिख दिया जाए। नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड, या फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg। जब आप 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? देखिए 2 kg, 2g डाउनवर्ड, 2g डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड, इधर टेंशन इस तरफ T1 और इधर टेंशन T2 इस तरफ, लेकिन सिस्टम एक्सेलरेट इधर हो रहा है। अब जब सिस्टम एक्सेलरेट इस तरफ हो रहा है तो डेफिनेटली लार्जर कौन है? तो लार्जर है T1, स्मॉलर कौन सा है? T2। मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हम T1 - T2 निकाल सकते हैं, T1 - T2 दैट इज इक्वल टू 2A, ऐसा कहा जा सकता है इक्वेशन नंबर थर्ड। आइए अब डिस्कशन करते हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में ये आपके पास में ये वाला टेंशन T1 था स्टूडेंट्स, पहला टेंशन T1 था। तो अगर मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन आप देख सकते हैं 100 - T1 100A, T2 - 50 50A। तो अगर फर्स्ट और सेकंड थर्ड को कंपेयर करें तो हमें T1 - T2 2A दे रखा है। तो T2 - T1 जो होगा
दैट इज माइनस टू है, ऐसा कहा जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड करता हूं, तो फर्स्ट सेकंड को ऐड करने पर देखो क्या होगा, 100 माइनस टी वन प्लस टी टू माइनस 50, टी टू माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 100 ए प्लस 50 ए, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो 100 माइनस 50 टी टू माइनस टी वन 150 ए, इसे ऐसा कहा जा सकता है। तो टी टू माइनस टी वन को क्या लिखा जा सकता है, माइनस टू ए। 100 माइनस 50 दैट इज 50, माइनस 2a इक्वल टू 150a, तो 50 इक्वल टू आपके पास आ गया 152a, सो a इक्वल टू आ जाता है आपके पास में 50 अपॉन 152। ये है वैल्यू आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो 152a, 100a प्लस a, ये पूरा वैल्यू जब एक्सेलरेशन का निकल जाता है, तो अगर आप t1 t2 निकालना चाहें तो बाय फर्स्ट इक्वेशन आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से देखें, 100 माइनस टी वन इक्वल टू 100 टी वन, 100 ए, तो यहां पर 100 माइनस टी वन इक्वल टू 100 ए, सो टी वन इक्वल टू 100 माइनस 100 ए। अब यहां पर आप ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और टी वन का आंसर निकाल सकते हैं। वैसे ही टी टू, टी टू माइनस कितना 50, दैट इज इक्वल टू 50 ए, तो टी टू दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 50 ए। नाउ ए की वैल्यू आप पुटअप कीजिए और यहां से टेंशन का आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास में 10 kg, 2 kg, 18 kg, तीन ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक को आपने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, और स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग से कनेक्ट करने के बाद ये तीनों ब्लॉक 2 kg, 18 kg और 10 kg, ये देखिए 10 kg, 2 kg और हम कह सकते हैं 18 kg। अब देखिए क्या होगा, यहां पे सबसे पहले हम ये कहते हैं 2 प्लस 18 मतलब ये आ गया 20 और ये 10, तो डेफिनेटली 20 और 10 तो ये वाला डाउनवर्ड जाने वाला है और इस सिस्टम अपवर्ड जाने वाला है। अब स्ट्रिंग और पुली मासलेस है, स्ट्रिंग और पुली क्या है बच्चों, मासलेस है। अगर मासलेस है तो मास नहीं मानना है। मैं मान लेता हूं पहले वाले में टेंशन T1, इस ब्लॉक को कट करने पर ब्लॉक जाता है 18 g डाउनवर्ड। अगर ब्लॉक डाउनवर्ड जाता है 18 g, तो डेफिनेटली टेंशन अपवर्ड होता, इस ब्लॉक से टेंशन अपवर्ड तो इस ब्लॉक से डाउनवर्ड। यहां पर टेंशन T2, यहां पर टेंशन T2, इस तरह से लिखा जा सकता है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालना है हमें, 10 केजी ब्लॉक का डायग्राम निकालते हैं पहले, तो 10 केजी ब्लॉक के लिए हम लिख सकते हैं 10 g, यहां पर लिखा जा सकता है टेंशन T2, यहां सिस्टम में लिखा जा सकता है एक्सेलरेशन। अब बताइए लार्जर माइनस स्मॉलर, तो T2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय जी इक्वल टू 10 a, या T2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100 इक्वल टू 10 a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखा जा सकता है। नाउ ब्लॉक 18 केजी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 18 केजी का फ्री बॉडी डायग्राम, तो 18 g डाउनवर्ड, टेंशन T1 अपवर्ड। अब सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली इस बार बड़ा कौन है, तो इस बार बड़ा है 18 g, छोटा कौन सा है, T1 है। तो हम कह सकते हैं 18 g माइनस T1 इक्वल टू 18 a, इक्वेशन नंबर सेकंड। और तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा सकता है 2 kg का। फॉर 2 kg यू कैन सी 2 g डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड, 2 g डाउनवर्ड, T2 अपवर्ड, T1 डाउनवर्ड, सिस्टम एक्सेलरेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो डेफिनेटली 2 g प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, इक्वेशन नंबर थर्ड लिखा जा सकता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय जी मतलब 20 प्लस T1 माइनस T2 इक्वल टू 2a, तो T1 माइनस T2 को लिखा जा सकता है 2a माइनस 20। ये बात हमें याद रखनी है, समझनी होगी। नाउ T1 माइनस T2 को T2 माइनस T1 भी लिखा जा सकता है, तो T2 माइनस T1 लिखने के बाद ये आ जाएगा 20 माइनस 2a। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन, तो एक्सेलरेशन टेंशन निकालने के लिए 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो 1 2 को सॉल्व कैसे किया जाएगा देखिएगा,
T2 माइनस 100 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय जी, 18 मल्टीप्लाई बाय जी मतलब 180 माइनस T1 इक्वल टू, ये देखिए 10A प्लस इस इक्वेशन का देखो 18A, तो इस इक्वेशन का आपके पास 18 आ गया। तो T2 माइनस T1 प्लस 80 इक्वल टू 28A इसे लिखा जा सकता है। T2 माइनस T1 कितना आ चुका है, तो 20 माइनस A है, 20 माइनस 2A है प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 28A, तो आप इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 28A प्लस 2A 0। आपके पास में 80 प्लस 20 100 आता है और ये आपके पास आ जाता है 30A। सो A का वैल्यू आपको मिलता है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब A का वैल्यू 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल गया तो आप चाहे तो T1 भी निकाल सकते हैं और चाहे तो T2 भी निकाल सकते हैं। तो T2 देखो कैसे निकाला जाएगा, 100 प्लस 10A, 10 इंटू A, A की वैल्यू कितनी चेक करो तो ये आ गया 10/3, 300 प्लस 100 400/3 ये आ चुका है न्यूटन, 400/3 T2 की वैल्यू निकल गई। अब T1 निकालना चाहे तो T1 भी निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट T1 ऑल्सो। सो T1 इक्वल टू 18G माइनस 18A, 180 माइनस 18 इंटू 10/3 540 माइनस, या ये कह लो सिंपली 18 कॉमन निकाल लो, जी माइनस ए लिख दो, यहां पे ऐसा भी लिख सकते थे 18 कॉमन जी माइनस ए, जी है 10 माइनस 10/3, तो T1 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 20/3, तो ये आ गया T1 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 20 और 6 मल्टीप्लाई बाय 20 को लिखा जा सकता है 120 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 120 न्यूटन आंसर निकाला जा सकता है। तो हमने जब एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक कनेक्ट हो तब किस तरह से सॉल्व किया जाए ये कंसेप्ट भी सीखा। अब देखिए इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक का कनेक्शन किस तरह से हो ये हमें सीखना जरूरी है। तो देखो इंक्लाइन प्लेन पर एक क्वेश्चन हम चर्चा कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में वो डिस्कशन आपको सामने आएगा। पहला क्वेश्चन इंक्लाइन प्लेन से कंसर्न ऐसा है कि इंक्लाइन प्लेन है और एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है, ये थीटा है आपके पास में 30 डिग्री, या मैं कह लेता हूं हाँ ठीक है 30 डिग्री मान लेते हैं हम लोग, इसे 60 डिग्री ले लेते हैं चलिए। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 20 मीटर इसका लेंथ दे रखा है और 5 मीटर आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, 5 मीटर तो नहीं कह सकता हूं मैं, 20 मीटर लेंथ मान लेते हैं इसे ABC और हाइट हम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा गया कि इस इंक्लाइन प्लेन पर पहला क्वेश्चन यह है कि बताइए ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन बताना है नॉर्मल कितना एग्जर्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन बताना है डिस्टेंस ए टू सी मतलब 20 मीटर कवर करने में इसको कितना टाइम लगने वाला है। चौथा बताना है कि वेलोसिटी ए पॉइंट पर कितनी लगने वाली है। पांचवा आपको यह बताना है 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने हैं। तो देखो स्टूडेंट इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। ये 60 डिग्री है, हम बनाते हैं 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम। तो मान लीजिए ये 2G डाउनवर्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया इस इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एक्सेस सेलेक्ट कर ली, XX'YY'। आपको इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग एक्सेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो अगर ये ओरिजिन माना जाए और ब्लॉक अप जाए तो पॉजिटिव, डाउन जाए तो नेगेटिव, वाई एक्सेस का पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, 2G इस तरफ। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। भाई 2 किलोग्राम ब्लॉक किसके कॉन्टैक्ट में है, तो 2 किलोग्राम ब्लॉक ABC के कॉन्टैक्ट में है, वेज के कॉन्टैक्ट में है। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक इस वेज पर फोर्स लगाएगा, 2 किलोग्राम ब्लॉक इस वेज पर फोर्स लगाएगा, बराबर है। अब जब 2 किलोग्राम ब्लॉक वेज पर फोर्स लगाएगा तो वो इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो वेज बी, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं भाई 2 किलोग्राम नीचे आएगा तो किसके कॉन्टैक्ट में है, तो वो वेज के कॉन्टैक्ट में है।
तो वेज विल एक्सर्ट अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 2g। मान लीजिए मैंने इस तरह से डायग्राम बनाया, ये आ गया आपके पास नॉर्मल, ये ABC। ठीक है, अब आप मान लीजिए फोर्स को अगर कोलिनियर शिफ्ट करें तो कोई चेंज नहीं आता है। ये 60 है, ये मैं एक्स मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, और ये सरफेस पर परपेंडिकुलर है। मतलब देखो, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, भाई नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो ये जो लाइन होगी ये भी सरफेस से परपेंडिकुलर होगी। तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई आपके पास में 90 डिग्री होगी। अब देखिए, ये आपके पास एक्स है और ये एक छोटा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने फोर्स को अगर कोलिनियर शिफ्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 60 + x + 90 ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x को आप सीधा लिख सकते हैं 90 - 60, दैट इज इक्वल टू 30। अब आपके पास x 30 आ गया। अच्छा, अब x 30 आया तो क्या हुआ, x प्लस वाई कितना है, तो x प्लस वाई आपके पास में 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया, तो y कितना हो जाएगा, तो y 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास में। सो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज 60 डिग्री। अच्छा, y की वैल्यू 60 आ गई, तो अब हम ये डायग्राम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और y जो कि यहां पर दिखा हुआ है, ये 60 तो ये 60 ऐसा बनाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 60 60, तो आप समझिए ध्यान से इस बात को, ये 60 है, ये 2g है, ये परपेंडिकुलर है, ये 2g है, ये 60 डिग्री है, तो ये कहला सकता है, ये देखिए, ये x, ये x डैश, ये y और ये आपके पास y डैश, x डैश और y और ये y, तो हम ये कह सकते हैं ये वाला x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ऐसा मैं समझा देता हूं आप लोगों को। मान लो ये y कंपोनेंट है, y डैश कह देता हूं, और ये x डैश कंपोनेंट है, तो ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये ट्राइंगल में 60, ये x, ये y और ये 2g आपको दिख रहा है, मतलब 20 दिख रहा है, तो 2g इसे ऐसा कह सकते हैं cos 60 डिग्री कितना हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया, बेस आपके पास है y डैश, हाइपोटेनियस है 2g, तो y डैश आपके पास आ चुका है 2g cos 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x डैश आ चुका है 2g sin 60 डिग्री, तो 2g sin 60, 2g cos 60 बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के इस डायग्राम में इस 2g फोर्स को, इस 2g फोर्स को हमने x और y एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया। भाई इस 2g फोर्स को एनालिसिस करने के लिए, 2g फोर्स को एनालिसिस करने के लिए इन एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया, मतलब ये हो गया y डैश देखो कितना है 2g cos 60, दिस विल बी 2g cos 60 और ये आपके पास है 2g sin 60 डिग्री, इसे ऐसा कहा जा सकता है, ये नॉर्मल, ये आपके पास ABC। ना ऐसी स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, भाई हम ये बात जानते हैं जब भी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट किया जाता है तो फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते। मतलब क्या हुआ, मैं इस फोर्स को शिफ्ट करके यहां पर ले आता हूं, आपके मन में एक प्रश्न आएगा, सर आप शिफ्टिंग करके लाना क्यों चाहते हैं, भाई ताकि तीनों के तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर हो जाए और उनको एनालिसिस करना आसान हो। तो मैं इस फोर्स को शिफ्ट करके ऐसा लाता हूं, जैसे मार्कर को लेके आ रहा हूं, ये शिफ्ट करके लाता हुआ यहां रख दिया, तो ये आ गया आपके पास में 2g cos 60, ये आ चुका है 2g sin 60, इस तरफ आ गया 2g sin 60 और ये आ चुका है नॉर्मल आपके पास में। तो देखिए फाइनली इस स्ट्रक्चर का फाइनल डायग्राम वो बनने वाला है, इसका फाइनल डायग्राम वो बनने वाला है, ठीक है ना। तो हम उस डायग्राम को अब बनाएंगे और उस डायग्राम को हमेशा के लिए समझकर अगली बार से जब भी प्रॉब्लम्स आएगी इंक्लाइन प्लेन से कंसर्न, तो हम उस डायग्राम को हमेशा के लिए बार बार रिपीट करेंगे। जैसे ये एम मास का ब्लॉक था, एम मास का अगर ब्लॉक होता 2kg के प्लेस पर, तो आप यहां लिखते mg cos थीटा, यहां लिखते नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस और यहां लिखते mg sin थीटा, ये थीटा है ब्लॉक के लिए, ये आपके पास है ए, ये आपके पास है बी और ये आपके पास है सी, इस तरह से लिखा जाएगा, ये आपके पास है ए, ये आपके पास है बी, ये आपके पास है सी, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमने एक्सेस अज्यूम की, ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये आपके पास में वाई डैश। अच्छा, क्या ये ब्लॉक कॉमन ऑब्जर्वेशन से बताइएगा, ये ब्लॉक स्लाइड होगा या जंप होगा? तो कॉमन ऑब्जर्वेशन से हम कह सकते हैं ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा,
अच्छा जब ये ब्लॉक डाउन द प्लेन स्लाइड होगा तो डेफिनेटली ये जंप तो नहीं कर रहा इस तरफ, तो इसका मीनिंग हुआ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स ये रहा वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस नॉर्मल, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन माइनस एम जी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल इक्वल टू आ गया एम जी कॉस थीटा। या मैं ऐसा भी कह सकता था कि जब इस तरफ कोई मोशन नहीं हो रहा है तो जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगने वाला है। मास मान लीजिए 2 जी 10 और cos 60 डिग्री, हम ऐसा कह सकते हैं, तो नॉर्मल इक्वल टू आ गया cos 60 1 by 2, नॉर्मल आया 10 न्यूटन आंसर, सो वैल्यू ऑफ नॉर्मल विल बी गिवन एज 10 न्यूटन। अब ये देखिए ध्यान से, ये स्लाइड कर रहा है ब्लॉक, मतलब अगर मोशन है तो कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स है, अगर मोशन है तो कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स है, तो यहां पे देखो अनबैलेंस फोर्स कौन सा दिख रहा है, तो यहां पे अनबैलेंस फोर्स mg sin थीटा है, तो अनबैलेंस फोर्स दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा, तो m से m कैंसिल आया तो a इक्वल टू आया g sin थीटा। तो जब भी इंक्लाइन प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन पर किसी ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना हो तो वो g sin थीटा हमेशा आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जी साइन थीटा हमेशा आएगा तो 10 साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है तो रूट 3 बाई 2 होता है, और रूट 3 बाई 2 को आप लिख सकते हैं 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है 5 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक्सेलरेशन मिल गया, नॉर्मल मिल गया, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना टाइम लगेगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, में एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ब्लॉक सी से जब ए आता है, ब्लॉक सी से जब ए आता है तो सी से आने पर 20 मीटर कवर करता है, भाई जब ब्लॉक सी से ए आता है तो सी से आने पर 20 मीटर कवर करता है, इसका मतलब हम ये कह देंगे डाउन द प्लेन जब ब्लॉक आएगा तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं नेगेटिव है मतलब माइनस 20 है, शुरुआत में ब्लॉक किस पर था, रेस्ट पर, तो रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो यह आ गया जीरो मल्टीप्लाई बाय टी। ए की वैल्यू कितनी है, अब नोटिस कीजिएगा ए की वैल्यू, ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम ये कह सकते हैं 5 रूट 3 अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 5 रूट 3 इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसे ऐसा कहा जा सकता है, तो 8 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3, या सिंपली हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय रूट 3 का अंडर रूट, ये आपके पास में टाइम की वैल्यू निकल कर आती है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टाइम। सो हम यहां पर टाइम इस तरह से निकाल सकते हैं, और आप इसे सिंप्लीफाई करके और मल्टीपल आंसर निकाल सकते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइड बाय 3, तो ये आ जाता है आपके पास में 2.66 1.73, तो मैं सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से लिख सकता हूं 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1.7 2.7 1.7, ठीक है ना, 4.59, और 4.59 जो आप टाइम दे रहे हैं, अब अंडर रूट 4 होता तो इसका सीधा आंसर आता आपके पास में 2√5 होता तो इसका आंसर आता 2.23, ठीक है, तो 4.59 मतलब 4.6, तो आंसर 2.12 सेकंड समथिंग ऐसा कहा जा सकता है, तो 2 point something इसका आंसर आने वाला है, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब जब वो बॉटम पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी निकलेगी आपको बताना है, सो वेलोसिटी बताने का सिंपल तरीका स्टूडेंट्स, हम जानते हैं v इक्वल टू होता है u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at में u देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, a की वैल्यू माइनस 5√3, और टाइम कितना है तो 2.12 सेकंड में कह सकता हूं, तो हम ये कह सकते हैं माइनस 6, ठीक है ना, और ये आ गया 10.6 मल्टीप्लाई बाय 1.73, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर हमारा आएगा वो दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब आपसे और क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि आपको आगे इस क्वेश्चन में एक बात और बतानी है, 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी होगी आपको बताना है, तो भाई वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड जब हमको बताना है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, 2 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी बताई जाएगी, जीरो, a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू है माइनस 5√3, और टाइम कितना है आपके पास में, तो टाइम है आपके पास में 2 सेकंड,
तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी 10 रूट 3 माइनस 10 1.732, तो ये आ गया 17.32 मीटर पर सेकंड। इसे ऐसा कहा जा सकता है दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वेलोसिटी आ गया, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। दो सेकंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना निकला जाएगा, तो s = ut + ½at² u जीरो टाइम पता नहीं, 2 सेकंड है ना, माइनस 5√3/2 2² तो s = आ जाएगा -5√3 × 4/2 मतलब 2। वापस से डिस्प्लेसमेंट आपके पास आता है 10√3 मीटर, और नेगेटिव साइन बताता है, कि डाउन द प्लेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो हम कुछ इस तरह से यहां पर आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसी तरह के इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें पुली भी कनेक्टेड है, और पुली कनेक्शन होने के बाद में मल्टीपल क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन थर्टी डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल है, और 30 डिग्री एंगल होने के बाद में यहां पर 10 kg का एक ब्लॉक है, 10 kg का ये जो ब्लॉक है, यहां पर 5 kg का एक ब्लॉक कनेक्ट किया गया है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पर जिसका एंगल 30 डिग्री हो, आपको क्या क्या निकालना है सुनिएगा ध्यान से। सिस्टम का एक्सेलरेशन, टेंशन निकालना है, और एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, थर्ड ये निकालना है। मान लीजिए मैं कहता हूं दिस इज m1 एंड दिस इज m2, तो यहां आप देख सकते हैं m1 इज 2 times of m2, ऐसा कहा गया है। अगर उल्टा हो जाए, यहां पर आप चेक कर सकते हैं इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, m1 इज 2 times of m2, पर अगर ऐसा उल्टा हो जाए कि m2 इज 2 times of m1 हो जाए, मतलब यहां 10 हो जाए यहां 5 हो जाए, जबकि आप ले लीजिए m1 5 किलोग्राम थर्ड क्वेश्चन के लिए लीजिए, तब एक्सेलरेशन क्या निकलेगा और आपके पास में टेंशन की वैल्यू क्या निकलेगी आपको बताना है। ठीक है, तो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। भाई इस वाले क्वेश्चन में आप ये बात चेक करो, सबसे पहले ये 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन में आप ये चेक करो कि ये पुली है कनेक्शन, टेंशन की डायरेक्शन निकालते हैं ये 5 kg। ठीक है, ये ब्लॉक अगर कट कर देते तो ब्लॉक कहां जाता, तो ब्लॉक कट करने पर ब्लॉक डाउनवर्ड जाता, तो टेंशन इस पॉइंट पर अपवर्ड है। अब यहां पे चेक करो, यहां पे एम मास का ब्लॉक मतलब 10 kg का ब्लॉक, आप इसे यहां से कट करते तो कहां जाता, तो ये डाउन द प्लेन नीचे स्लाइड होता, तो डेफिनेटली टेंशन इस तरफ ही लगने वाला है, और इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में केवल एक ही थ्रेड है, तो टेंशन हर जगह पे सेम रहने वाला है, टेंशन विल बी सेम एवरीवेयर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं जो अभी मैंने समझाया, 10g cos 30, और ये मिलना है नॉर्मल, ये मिलना है 10g sin 30, इस तरफ टेंशन। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर एक बात है, हम ये कह के ये, मतलब वैसे तो कॉमन सेंस से आप और मैं कह पा रहे हैं अभी कि 10 kg हैवी होगा, 5 kg लाइट होगा, इसलिए हो सकता है इधर चला जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कभी भी। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पे हैवी होता है, यहां लाइट होता है, फिर भी ब्लॉक नीचे की तरफ मोशन कर सकता है। तो ये जनरल कंसेप्ट मत बनाइएगा कि इधर हैवी है तो इधर ही जाएगा, पर ये बात पक्की है, तय है कि दो में से एक ही डायरेक्शन में जाएगा, या तो ये डाउन द प्लेन जाएगा या ये डाउन द प्लेन डाउनवर्ड जाएगा। तो मान लीजिए मैंने ऐसा माना कि ये इस तरफ जा रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूं। अब क्यों मान सकता हूं वो भी आगे देखिएगा। तो यहां पर इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं है, तो हम सीधे सीधा कह सकते हैं कि जितना नॉर्मल होगा उतना 10g cos 30 होगा। हमें नॉर्मल अगर निकालना होता तो आप निकाल सकते थे 10 × 10 cos 30 मतलब √3/2, और √3/2 जैसे निकालते तो आप क्या कहते थे, तो ये आता था 50√3 N, ये 50√3 N कहा जा सकता था। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ से डेल्टा एफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ये रहा आपके पास में पॉइंट, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन में ये 10g sin 30 और टेंशन है, ये 10g sin 30 और टेंशन है,
तो डेफिनेटली अगर सिस्टम इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो टेंजी साइन 30 और टेंशन में से बड़ा कौन होगा? तो टेंजी साइन 30 और टेंशन में से टेंजी साइन 30 बड़ा होगा। अच्छा, टेंजी साइन 30 बड़ा हुआ तो ये ब्लॉक कहां जाएगा? ये ब्लॉक डाउन द प्लेन जाएगा, बराबर है? तो हम कहते हैं लार्जर माइनस स्मॉलर, तो टेंजी साइन 30 माइनस स्मॉलर कितना है? टेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन सेकंड की बात करें हम, भाई जब ये डाउन द प्लेन जाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, किसका? 5 kg का बना लेते हैं। तो ये बना 5g डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट होगा। तो क्या करेंगे भाई? वापस न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा एफ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 5, एक्सेलरेशन है, दोनों में से बड़ा कौन है? तो बड़ा है टेंशन, 5g इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये ऐसा कहा जा सकता है। अब मुझे निकालना है क्या? एक्सेलरेशन और टेंशन। तो मैं 1+2 करता हूं, पहले और दूसरे इक्वेशन को जब ऐड करता हूं तो उसमें देखो एक बात क्या होती है, टेंशन हट जाता है, टेंशन हट जाता है, बराबर है? तो 10g sin 30 माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस 5g इक्वल टू, ये रहा 10a और ये रहा 5a, तो 10a प्लस 5a कितना आ गया? तो 10a प्लस 5a आपके पास में 15a आ चुका है, दिस विल बी द 15a, प्लस टी माइनस टी कैंसल, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1/2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 15a, ये आया 500 50 माइनस 15 15a ये 0 15 मल्टीप्लाई बाय a, तो a की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, मतलब सिस्टम रेस्ट पर है, मोशन कुछ भी हो नहीं रहा है, इक्वल बैलेंस कंडीशन। तो अब अगर आपको मान लीजिए टेंशन निकालने को कहा जाता, सपोज टेंशन निकालने को कहा जाता, तो अभी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट एफबीडी ऑफ 10 kg से जो आपने इक्वेशन लिखी थी वो थी 10g sin 30 माइनस टेंशन इक्वल टू 10a। अब आपसे बोला जाए a अगर 0 आ गया तो क्या करोगे? तो a 0 आने पर 10g sin 30 इक्वल टू माइनस टेंशन 10 मल्टीप्लाई बाय 0, तो टेंशन आ गया 10g sin 30, टेंशन की वैल्यू 10g sin 30, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1/2, तो आंसर आपके पास में 50 न्यूटन निकल कर आता है। नाउ सेम आंसर आप इस वाली इक्वेशन से भी लिख सकते हो, इसकी इक्वेशन में आपने लिखा था टेंशन माइनस 5g इक्वल टू 5a, टेंशन माइनस 5g इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a है 0, तो टेंशन इक्वल टू 50g, तो दोनों तरफ से देखिए आप 50g नहीं 5g, तो ये 50 न्यूटन हम टेंशन कह सकते हैं। तो देखिए दोनों में टेंशन सेम आ रहा है, ठीक है ना? तो पहला कंडीशन तो समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि भैया ये 10 kg ना होते हुए ये 5 kg होता, सपोज ये 5 kg होता और ये 5 kg ना होते हुए ये 10 kg होता, अब क्या होता? तो अब डेफिनेटली आप और हम क्या मानने वाले हैं? अब डेफिनेटली आप और हम ये मानने वाले हैं, क्या मानने वाले सोचो तो, कि भाई ये हैवी है ये लाइट है तो डेफिनेटली ये नीचे जाना चाहिए, ये नीचे आया एक्सेलरेशन ए से तो ये एक्सेलरेशन ए से इस तरफ जाना चाहिए। वापस से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। इक्वेशन लिखने का आसान तरीका, पहला बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका? 10 kg का। भाई 10 kg यहां से कट करते तो 10g जाता डाउनवर्ड, टेंशन माना अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। लार्जर कौन सा? 10g। स्मॉलर कौन सा? टेंशन। मास कितना? 10। एक्सेलरेशन कितना? a, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसा लिखा जाता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जाता है तो हम कह सकते हैं 10g माइनस t इक्वल टू 10a। अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किसका बना लीजिए? 5 kg का बना लीजिए। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा भाई, अभी बताया मैंने इंक्लाइन प्लेन के बारे में, तो यह आएगा 5g cos 30, यह आएगा नॉर्मल, यह आएगा 5g sin 30, यह टेंशन इस तरफ ब्लॉक का, ठीक है? यह टेंशन की डायरेक्शन, यह टेंशन इस तरफ, सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है? यह डाउनवर्ड जा रहा है तो यह अप द प्लेन जा रहा है, यह अप द प्लेन जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन ऐसा है भाई, जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है
जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होता है। तो एक्सेलरेशन है अप द प्लेन, एक्सेलरेशन है अप द प्लेन, तो फोर्स कौन सा बड़ा है? तो टेंशन बड़ा है। छोटा कौन सा है? 5g sin 30। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 5 × इक्वेशन नंबर 2। तो पहला काम करना है नॉर्मल निकालना है। तो भाई इस डायरेक्शन में कोई हलचल नहीं है, कोई मोशन नहीं है, तो फाइव जितना इधर होगा उतना इधर होगा 5g cos 30। तो निकाल सकते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल दोनों केसेस में कॉस कंपोनेंट के मास के मल्टीप्लीकेशन फैक्टर के साथ में निकाला गया है। अब आइए 1+2 कर दिया जाए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ये आ गया 10g माइनस टेंशन, और दूसरी इक्वेशन है प्लस टेंशन माइनस 5g sin 30 इक्वल टू आपके पास आ गया 10a प्लस 5a। तो टेंशन टेंशन कैंसल, 10g माइनस 5g sin 30 1/2 आ चुका है, ये आ गया आपके पास में 15a। तो हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा 100 माइनस 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 15a। नाउ 100 माइनस 75 डिवाइड बाय 15 ये आ गया, तो ये आ चुका है आपके पास में 15/3 5 m/s², ठीक है। नाउ 5 m/s², तो यहां देखिए इस बार सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। अब अगर हमें टेंशन निकालना हो दोनों तरफ, तो टेंशन कैसे निकाला जाए? सिंपल है, मैं टेंशन निकालना है एक ही वैल्यू पुट अप कर दो, 10 × 100 माइनस 10 × 5, तो टेंशन इक्वल टू 100 माइनस 50, तो टेंशन आ गया 50 N। टेंशन कितना आ गया आपके पास में? 50 N। अब वापस चेक करते हैं इस तरफ, ए की वैल्यू 5 रख देते हैं, ए की वैल्यू 5 रख के टेंशन निकाल के चेक करते हैं टेंशन कितना आता है। 5 × 10 × sin 30 1/2 5 × 5, तो ये आ गया आपके पास 5, तो टेंशन माइनस 25 इक्वल टू प्लस 25, तो टेंशन आ गया 50 N। सो बेसिकली टेंशन विल बी गिवन एज ए 50 N, ठीक है ना। तो टेंशन यहां पर 50 N निकलता है। तो इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर अगर ब्लॉक रखा जाए तो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, यह भी आपने और हमने मिलकर सीखा। कुछ प्रॉब्लम्स और हम समझते हैं और न्यूमेरिकल के माध्यम से और बेहतर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी डेवलप करते हैं। स्टूडेंट यहां पर इंक्लाइन प्लेन, ब्लॉक और पुली, इन तीनों से कंसर्न प्रॉब्लम। यहां 37 है, 53 है। एक बात इसके लिए समझिएगा, कॉस 37 होता है 4/5 और यही साइन 53 की वैल्यू होती है। साइन 37 होता है 3/5 और यही कॉस 53 की वैल्यू होती है। ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या क्या निकालना है? हमें टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहां पर 100 kg के ब्लॉक का, जो कि इस तरह से मान लीजिए ऐसा है 100 kg, ये 37 की बात है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, अभी मैं सिखा चुका हूं इंक्लाइन प्लेन से कंसर्न बातें। तो 100g cos 37 ये आपके पास है नॉर्मल, 100g sin 37 टेंशन। अब देखिए मैंने अभी कहा मुझे नहीं पता कि 100 kg वाला इधर जाएगा या 5 kg वाला इधर जाएगा, 50 kg वाला जाएगा, तो मैं मान लेता हूं लेट ये डाउन द प्लेन जाएगा, ये डाउन द प्लेन जाएगा, तो ये अप द प्लेन आएगा सेम एक्सेलरेशन से। अब उसका कारण भी ऐसा है, 1 cm थ्रेड अगर नीचे आता है तो 1 cm थ्रेड ऊपर जाएगा, 1 cm/s तो 1 cm/s बराबर, तो वेलोसिटी सेम, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन सेम आएगा। ये अब देखिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, अभी तक तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सोचने लगे होंगे 100g sin 37 और टेंशन इधर की तरफ जा रहा है मतलब बड़ा कौन है? तो बड़ा है 100g sin 37, छोटा है टेंशन, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो 100g sin 37 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 100 × इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाती है आपके पास में। अच्छा नॉर्मल निकालना हो इस प्लेन पर तो मैं नॉर्मल n1 कह देता हूं, तो n1 को लिख सकते हैं आप 100g cos 37, ठीक है ना। तो 100g को मैं 10 कह देता हूं, cos 37 4/5 कह देता हूं, ये आ जाता है 2 8 × 100, तो पहले वाले का 800 न्यूटन आंसर निकाला जा सकता है।
अब आगे बढ़ते और सेकंड वाले ब्लॉक का डायग्राम समझते हैं भाई। सेकंड वाला इंक्लाइन प्लेन ये रहा आपके पास में 53, ये था आपके पास में 37। वापस से वही वाली बात, 50g cos 53, ये रहा नॉर्मल मान लेता हूं N2, और इस बार वापस से जैसा कि इधर डाउन द प्लेन होता था तो इस तरफ होगा आपके पास में 50g साइन 53। ये मान लीजिए टेंशन, क्योंकि भाई आप अगर इसको इधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन इस तरफ तो ऊपर ले जाने वाला टेंशन इस तरफ, ये टेंशन की डायरेक्शन बताई जा सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जा रहा है डाउन द प्लेन, ये जा रहा है डाउन द प्लेन, तो ये वाला ब्लॉक जाएगा अप द प्लेन, तो एक्सेलरेशन इस तरफ होगा। तो वापस यहां पे देखिएगा N2 की वैल्यू, क्योंकि इस तरफ तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, जो ब्लॉक जा रहा है ये डाउन द प्लेन जा रहा है या अप द प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, ये डाउन द प्लेन जा रहा है और ये अप द प्लेन जा रहा है, तो इस तरफ तो कोई मोशन हो नहीं रहा। अगर मोशन हो नहीं रहा मतलब N2 की वैल्यू सिंपल सी बात बोली जाए 50g cos 53 के हिसाब से दी जाएगी। 50g, g की वैल्यू 10 और cos 53 कितना होता है, तो cos 53 देखिए 3/5 होता है, तो cos 53 3/5 है आपके पास में, सो N2 दिया जा सकता है 2 100 × 3 आंसर होता है 300 न्यूटन। अब निकालना है हमें टेंशन वाला इक्वेशन, बराबर। तो ये है अप द प्लेन मोशन या डाउन द प्लेन मोशन, तो लार्जर माइनस स्मॉलर 50g साइन 53 मास इनटू एक्सेलरेशन 50 × एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। पहले निकालना है क्या, एक्सेलरेशन, उसके बाद क्या निकालना है, टेंशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100g साइन 37 माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस 50g साइन 53 साइन 53 इक्वल टू, इधर वाला 100 है उधर वाला 50 है, तो 100a प्लस 50a ये आ जाता है आपके पास में, प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो जाता है, 100g 10 साइन 37 होता है 3/5, ठीक है, माइनस 50 × g 10 साइन 53 मतलब कॉस 37, कॉस 37 होता है 4/5, और टोटल मिला के ये 150 है आपके पास आ जाता है। अब ये आता है 2, ये आता है आपके पास में 2, तो 3 × 2 600 माइनस 4 × 8 8 × 50 400 एंड दैट इज इक्वल टू 150 है, 600 माइनस 400 आता है 200 That is equal to 150 है, 0 से 0 cancel, तो A की value 20/15 होती है। जब A की value 20/15 होती है तो 20/15 से हम कह सकते हैं 4/3 m/s². अब 4/3 m/s² तो टेंशन निकाला जा सकता है, देखो टेंशन यहां से निकाल लेते हैं, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऐसा कहते हैं 100g, g की value 10 साइन 37 3/5 माइनस टेंशन 100 मल्टीप्लाई बाय ए मतलब 4/3 लिख देते हैं, तो टेंशन इक्वल टू लिख देते हैं 2, 3 × 2 = 6, 6 × 100 = 600 माइनस 400/3, तो ये लिखा जाता है 1800 माइनस 400/3, इसे लिखा जा सकता है टेंशन को। तो 1800 में से 400 गए तो 1400 बचेंगे, 1400 बचेगा, 1400/3 ये न्यूटन में आंसर निकाला जा सकता है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, जिसमें कि हमने नॉर्मल सीखा, टेंशन सीखा, एक्सेलरेशन सीखा, दोनों इक्वेशन से निकाल के चेक करो आप, दोनों इक्वेशन में सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप देखो मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, हम ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे कि मान लीजिए आपके पास में दोनों मास की वैल्यू जो गिवन है वो हम कर देते हैं 5 kg, लेट दिस इज 5 kg, ठीक है ना, दोनों का एक्सेलरेशन कर एंगल कर देते हैं 30 डिग्री, और अब हम कहते हैं बताइए कि दोनों के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये हमको बताना है। वी हैव टू आंसर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। देखिए कॉमन सेंस से हम ये कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तो इसका आंसर निकाला भी जा सकता है, लेकिन पहले हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे।
देखो पहला फ्री बॉडी डायग्राम मैं इधर वाले सिस्टम के लिए बना रहा हूं, ये बनने वाला है 5g cos 30, ये नॉर्मल N1, 5g sin 30, ये टेंशन इस तरफ, और मैं मान लेता हूं एक्सेलरेशन इस तरफ। भैया कई बच्चे तो बोल रहे हैं रेस्पर आएगा आंसर, थोड़ा वेट करो, मान लेते हैं एक्सेलरेशन इस तरफ है। फिर आप में से बच्चे सोच रहे होंगे फिलहाल सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन किधर जाएगा, मत डिसाइड करो, कहीं भी मान लो, जो आपने माना अगर वो सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और जो आपने माना अगर वो सही नहीं है तो आंसर नेगेटिव आने वाला है, उससे ऑपोजिट। अब देखो इक्वेशन लिखी 5g sin 30 माइनस टेंशन लार्जर माइनस स्मॉलर 5 into a इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस जगह पर, ये मान लो 30, ये आ गया 5g cos 30, ये नॉर्मल लिखता हूं मैं N2, 5g sin 30। अब ये अगर मान लो डाउन द प्लेन गया, डाउन द प्लेन, तो इसे अप द प्लेन की बात हम करेंगे, तो अप द प्लेन हम लिखेंगे क्या, टेंशन माइनस 5g sin 30 इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं फर्स्ट सेकंड, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। भाई फर्स्ट सेकंड ऐड करेंगे तो हम ये कह सकते हैं 5g sin 30 माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस 5g sin 30, 5a प्लस 5a दैट इज 10a, प्लस टी माइनस टी कैंसिल, ये कैंसिल, तो एक्सेलरेशन सीधा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो टेंशन क्या आएगा, भाई यहां जीरो रख दो, तो 5 into 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस टेंशन इक्वल टू जीरो, तो टेंशन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 न्यूटन आंसर होगा, सो टेंशन विल बी गिवन एज 25 न्यूटन, ठीक है ना, तो टेंशन निकाला जा सकता है। अब एक क्वेश्चन है और मॉडिफिकेशन है, क्या मॉडिफिकेशन है समझिएगा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज ऐसा लाया गया है कि दोनों के मास सेम कह दिए गए, इसका मास और इसका मास सेम, ये अल्फा एंगल है और ये बीटा एंगल है। अब आपको एक्सेलरेशन बताना है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, मतलब मैं इसको ऐसा कहता हूं कि अल्फा मान लो अगर 30 डिग्री और बीटा मान लो अगर 60 डिग्री है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपको टेंशन भी निकालना है, यू हैव टू आंसर अबाउट एक्सेलरेशन एंड टेंशन बोथ। तो देखिए कैसे करेंगे, पहला फ्री बॉडी डायग्राम, ये वाला डायग्राम बनाया हम लोगों ने, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आने लगी होगी कि ये एम जी कॉस, ये वाला जो एंगल अल्फा, ये एम जी साइन अल्फा, ये नॉर्मल टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ, मुझे नहीं पता कौन कैसा एक्सेलरेशन ऐसा मान लिया, जब एक्सेलरेशन ऐसा माना तो इक्वेशन कैसा लिखेंगे, लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर क्या लिखा जाएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस टेंशन इक्वल टू एम ए, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड कैसा निकाला जाएगा, तो इक्वेशन नंबर सेकंड ऐसा निकाला जाएगा, भाई ये पहला वाला लेफ्ट इंक्लाइन ब्लॉक है, इंक्लाइन प्लेन है, दूसरा वाला राइट इंक्लाइन प्लेन की हम बात करते हैं। So, ये रहा आपके पास में एंगल बीटा, ये एंगल बीटा रहा, ये आप लिख सकते हैं एमजी कॉस बीटा, ये नॉर्मल N2 साइन बीटा, ये टेंशन और ये अप द प्लेन, क्योंकि मैंने ऐसे माना है डाउन द प्लेन, तो डेफिनेटली वो अप द प्लेन मानना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं टेंशन माइनस एमजी साइन बीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब निकालना पहले एक्सेलरेशन बाद में टेंशन, तो 1+2 कर देते हैं, 1+2 करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो एम जी साइन अल्फा माइनस टेंशन प्लस टेंशन माइनस एम जी साइन बीटा इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, दैट इज एम ए बाय एम ए प्लस एम ए, तो देखो ये एम ए प्लस वो एम ए कितना हो गया 2ma, टेंशन टेंशन कैंसिल, एम कॉमन निकला जी कॉमन निकला, ये आ गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 2ma, ऐसा लिखा जा सकता है, एम से एम कैंसिल हो गया, तो हम कह सकते हैं जी साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइड बाय 2, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। और सोचो अल्फा और बीटा अगर सेम हो जाता, ये दोनों 30-30 होते तो क्या होता, साइन 30 साइन 30 आंसर जीरो। अब मान लो ये 30 ये 60 ले लेते तो क्या होता, ये साइन 30 तो जी साइन 30 माइनस साइन 60 डिवाइड बाय 2, ये आपके पास आंसर आता। और आप और हम ये बात जानते हैं साइन 30 और साइन 60 में से बड़ा कौन होता है, तो साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है √3/2, तो ये है 1.5 0.5,
और ये जो वैल्यू है आपके पास में 1.73 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.8 समथिंग, तो आंसर एक्सेलरेशन का नेगेटिव आता था। मतलब अगर ये 30 है ये 60 है, समझना ध्यान से, ये 30 है ये 60 है, बराबर है, तो हमने माना था कि ए डाउन द प्लेन होना चाहिए, ए कहां होना चाहिए, डाउन द प्लेन होना चाहिए, पर एक्चुअलिटी में आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ए डाउन द, ये वाला डाउन द प्लेन नहीं होते हुए अप द प्लेन होगा, मतलब उस तरफ का मास मोशन करता है या उस तरफ का मास एक्सेलरेट हो जाता है जिस तरफ का एंगल बड़ा होता है। देखो एंगल 60 डिग्री बड़ा था तो इधर का मास मोशन किया, अब इसका उल्टा कर दो, ये 60 कर दो और ये 30 कर दो, तो अल्फा कर दो 60 और बीटा कर दो 30, तो ये हो जाता 60 और ये हो जाता 30। अब बताओ साइन 60 और साइन 30 में से बड़ा कौन है? अरे भाई साइन 60 और साइन 30 में से बड़ा कौन है? तो साइन 60 बड़ा है, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला एक्सेलरेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो हमने माना, ये देखो ये 60 कर दिया, तो अगर ये 60 हो गया या 30 हो गया तो ब्लॉक मोशन कौन किया? बोलो भाई ब्लॉक मोशन कौन किया? ब्लॉक वही मोशन किया जिसका मास क्या था, जिसका एंगल क्या था, मास इक्वल होने पर क्या, जिसका एंगल बड़ा होता है उस तरफ सिस्टम एक्सेलरेट होता है। तो हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे यहां पर आ सकते हैं। और देखिए इसके बाद में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक जरूर डिस्कस करूंगा, शॉर्ट ट्रिक मतलब वन स्टेप में आंसर कैसे निकाला जाए एक्सेलरेशन का, क्योंकि इतना हर बार हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसके प्लेस पे हम छोटा शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर जळगाव